Ladies and gentlemen, boys and girls, we have just on air. You can see, have a look on Hyderabad city. तो हम पहुंच गए हैदराबाद, अब लैंड हो रहे हैं कुछ देर में, तकरीबन कितने बज रहा, 11:50, 2 घंटा 10 मिनट लगा किशनगढ़ से यहाँ आने में, शायद फास्ट लेकर आई है फ्लाइट। देखो तालाब में हमेशा बताता ना आप लोगों को, बस एयरपोर्ट आ ही गया है। छोटे छोटे लगते हैं यार गाड़ियाँ। यहाँ वाटर पार्क भी आता है, वो उस साइड से आता है शायद जाते टाइम। पहुंच के हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर से आ गया हैदराबाद एयरपोर्ट, आप बेल्ट से सामान कलेक्ट। और ये बेल्ट नंबर 8 है, अभी यहाँ पे आएंगा अपना थैला, सामान बैगेज, बड़ी पिक्चर। अपना थैला जिंदाबाद आ गया, थैला आ गया हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट। चौथी बार फिर से वही लॉन्ज में, वही इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार लैंड हुआ यहाँ पे हैदराबाद एयरपोर्ट पे एक महीने में। नागपुर का हल्दीराम, पिछले बार भी आया था मैं, पिछले बार आपको ये आउटलेट बताया था, हल्दीराम का आउटलेट है एयरपोर्ट पे, बहुत प्यारा आउटलेट है। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन सब कॉस्टली होता है क्योंकि एयरपोर्ट के रेट अलग होते हैं। इसलिए माशाल्लाह मैंने हल्दीराम से भी ले लिया और ये भी ले लिया, बहुत सारे लोगों को देना है, हुजूर काशिफ पाशा साहब के लिए भी लिया और हमारे सलमान भाई वगैरह के लिए। ये कराची बेकरी का स्टोर है, देखो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत एक से एक आइटम्स है। बीजेपी के एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैदराबाद का जो ओला पॉइंट है वो आपको उस तरफ से निकल के इधर नीचे से होते हुए जाना पड़ेगा, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना यहाँ पे। ये तो यार मेरे को तो ट्रॉली कंट्रोल करना जम गया है, पहले नहीं होती थी, ये फिसल बंडा बना के रखे पूरा। देखो माशाल्लाह हैदराबाद एयरपोर्ट, तो नीचे ओला पिकअप पॉइंट है, मैंने टैक्सी बुक कर दिया, वहाँ OTP नंबर बताना है और बस बैठना है गाड़ी में, और कुछ नहीं। आप ऊपर से उधर से ऐसा आते हैं ना, नीचे से उतर के यहाँ पे क्रीम स्टोन का आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं, मैंने जो बताया वो लोबान वाली बर्फ़ है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है एयरपोर्ट टैक्सी वगैरह ओला पिकअप पॉइंट उस तरफ में, तो बस आपको ओला पिकअप पॉइंट पर जाना है। शॉपिंग भी कर सकते हैं आप, उधर भी पूरा शॉपिंग एरिया है बहुत बड़ा, टाइम पास के लिए बैठ भी सकते, घूम फिर सकते हैं। देखो क्रीम स्टोन मेरे सामने ही है, मेरे मोबाइल चेंज करना पड़ेगा यार,
डोनट्स को देख के मुंह में पानी आ जाता है। अभी डोनट ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे डोनट है। देखो ओरिजिनल ग्लेज डोनट, पाउडर स्ट्रॉबेरी, मैंगो मस्ती, हमका ढमका ढमका। Gentlemen, boys and girls, I'm here live from Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport, and today is 2 July 2022, and the time is sharp right now 12:57 PM. Alhamdulillah, and I'm just heading towards Nishat Api's house, Nishat Api's flat. Alhamdulillah, have a dua for me and have a dua China. Jazakallahu khair. Donut बहुत अच्छे लगते हैं यार मेरे को। Donuts देखो कितने प्यारे यार। ये मैंगो मस्ती डोनट है यार। जोहर का वक्त हो गया, शॉपिंग तो बहुत तकड़ी हो गई है। शॉपिंग फ्लाइट से किया, स्पाइस क्रीम सर्विस अभी नहीं ऐड हुई। पता है आप लोगों को, आप लोग फ्लाइट में भी शॉपिंग कर सकते। स्पाइस क्रीम एरोप्लेन का वाईफाई से कनेक्ट करके आजकल नेट प्लेन में भी चलने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ स्पाइस क्रीम उनकी वेबसाइट शुरू होती है। बहरहाल शॉपिंग देखो तगड़ी वाली, हुजूर काशिफ पाशा साहब के लिए और मेरे अम्मी के लिए, कुछ किसी ख़ास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह, दुआ करो यार अपना बिज़नेस जल्द सेटअप हो जाए, दुबई पहुंचना है, बस ये आखिरी ख्वाहिश है। नहीं भाई सॉरी थैंक्स, सॉरी थैंक्स। ये देखो ये पूरा बफेलो विंग्स वगैरह, ब्रांडेड होटल्स पूरे बड़े बड़े। अगली बार जाऊँगा तो एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह, अंदर जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा। मैकडोनल्ड्स वगैरह उधर पूरा सब कुछ, KFC VFC है। देखो ये सारे इतने सारे आउटलेट्स हैं, पूरे पूरे आउटलेट्स मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी हो के खाने के सब महंगे महंगे आइटम। हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा है भाई, तो यहाँ से मैं निकल गया। अब ओला पिकअप पॉइंट वहाँ पे है, वहाँ खड़ी अपनी ओला, OTP बताओ और बैठो और निशात आपी के घर पहुँचो। यहाँ पे जो ओला टैक्सीज खड़े रहते हैं, आपको OTP बताना और बैठना है। कोई भी कार में, कोई भी कार में बैठ सकते हैं। बस मेरी कार आ रही है। मैं आया हूँ ये रोड से वैसे, हाँ पता है मैं आया हूँ ये रोड से। देखो माशाल्लाह मैं निकल चुका हूँ ओला पकड़ के, अभी ऑन द वे हूँ। आज 2nd of July 2022 एंड टाइम इज शार्प 1:20 PM आई थिंक गाइस। सो जज़ाकअल्लाह, हैव अ दुआ फॉर मी and remember in your prayers I just request you all. Jazakallahu khair, assalamu alaikum. Bahut pyara khoobsurat ambiance hai, look at the natural ambiance of this highway guys, artificial natural ambiance. I just gonna assalamu alaikum. Asal mein flight mein turbulence bahut ho raha tha, bahut zyada turbulence, yani bar bar captain announce kar rahe the ki lavatory yani toilet use mat karo, टर्बुलेंस बहुत हो रहा था। टर्बुलेंस का मतलब जैसा बादल बहुत रहते हैं ना, तो प्लेन खड़खड़ खड़खड़ करता है, वो प्रोपाइलर जो रहते हैं ना वो टकराते तो प्लेन पूरा हिलता है। और स्पाइस के प्लेन तो आपको पता है कैसे डब्बे प्लेन है। मैं तो मुंह पे बोलूँ यार मैं नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिगो की फ़्लाइट सबसे बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जोजल पहुँच गया निशात आपी के फ्लैट पे, बाकी निशात आपी अभी अंदर है तो मैं थोड़ा आवाज़ दे रहा हूँ, यानी मैं सामान इधर रख दिया लेकिन बिना इजाज़त के अंदर नहीं जाने का, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। जज़ाकअल्लाह। और देखो मेरी जाने मन, अरे यार ये तो सब चाइना का होने वाला। ये मेरी बेस्टी, मेरी जाने मन, मेरी कार, मेरी बीवी। मेरी ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा है मैं रूँ और ख्वाजा मेरा समझाए, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़िंदगी हो जाती है आसान जब हालात अच्छे होते इंसान के। खैर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक दिन आएगा इंशाल्लाह जब फौजुल अजीम की फजर इंशाल्लाह मदीना पाक में होंगी और इंशाल्लाह उसकी शाम बगदाद मौला में होंगी, वो भी दिन आएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह कामयाब करे बिज़नेस को, दुआ कीजिए। पहुँच गया वो हैदराबाद आज 2 जुलाई सुबह, अजमेर शरीफ में था, हुजूर गरीब नवाज का ऐसा गुंबद बता रहा था आपको आज हैदराबाद। यानी यार यकीन ही नहीं होता, लाइफ इज़ सो सिंपल, life is becoming just so easy and just very quick that I can't believe all these things are just happening now by the side by side alhamdulillah. Dekho mango masti donut aur ye original glazed donut,
ये मैंगो मस्ती डोनट खा रहा हूँ, बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत महंगे मिलते हैं ना ब्रांडेड डोनट, फॉरेन के रहते सब इम्पोर्टेड। तो ये 130 का है, ये 120 का है, 250 रुपये हुए दोनों। ऐ काश मेरी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा आए, मैं रो खाजा मेरा समझाए, मैं रो खाजा मेरा सम में समाया है वो अजमेर का मंजर, अजमेर का मंजर, अजमेर का मंजर, जन्नत से भी बढ़कर मेरे ख्वाजा की गली है भैया। अरे भाई लिफ्ट नहीं है, कैसा ऊपर बुला के हम लोग करे, एक महीने से कंटिन्यू डिलीवरी। अरे भाई देखिए प्लेट, आपने ऊपर आके देना चाहिए था भैया। अरे भाई लिफ्ट नहीं है, कैसा ऊपर बुलाते हम लोग करे, एक महीने से कंटिन्यू डिलीवरी। अरे भाई देखिए प्लेट में भी डाल के देते तुम भाई, डिलीवरी करे तो क्या दिक्कत ही, जुलम कर देते क्या। डोंट टॉक मी लाइक दिस ब्रदर। ओ भाई 9:10 हो गया यार, आज तो असर मगरिब सब गोल और निशा तभी ने उठाए भी नहीं बॉस, बाप रे या अल्लाह। और देखो मैसेज डाल के चले गए, क्या कम्मत है यार।